आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज तिहाड़ जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में उन्हें ईडी ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत के आदेश मिलते ही पार्टी में मानो नई जान सी आ गई। अब उम्मीद जगने लगी है कि बाकी नेता भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की राह भी आसान हो गई है? इस रिपोर्ट में देखिए। शराब घोटाले से फांस में फंसी आम आदमी पार्टी को उम्मीद की लौ दिखाई देने लगी है। घोटाले के फेर में पार्टी के चार शीर्ष नेताओं को जेल जाना पड़ा, जिससे न सिर्फ पार्टी बल्कि दिल्ली सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे, लेकिन अब राहत की हवा चलती दिख रही है। शराब घोटाला मामले में पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किए गए और तब से पहले ईडी हिरासत में रहे, फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज रिहाई होने जा रही है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 27 मार्च को केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि आबकारी नीति के जरिए घोटाले की साजिश केजरीवाल ने रची। ईडी ने यह भी कहा कि हवाला के जरिए लेन देन की जानकारी केजरीवाल को थी। रिश्वत में मिले 45 करोड़ गोवा चुनाव में खर्च किए गए, यानी केजरीवाल साजिश के बराबर हिस्सेदार और राजदार थे। आज इस मामले में सुनवाई होगी, देखते हैं हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले मामले में जो फैसला लिया है, उससे आज आम आदमी पार्टी के साथ साथ पार्टी सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली। संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और 181 दिन बाद उन्हें सर्वोच्च अदालत से जमानत मिली है। जमानत पर बहस के पहले ही ईडी ने संजय सिंह को रियायत दे दी, जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने संजय सिंह को राहत दी। हालांकि ईडी ने मांग की है कि संजय सिंह को मीडिया से इस केस से जुड़ी जानकारी पर बात करने से रोका जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्ग्यूमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए। कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से पेश की गई दलील में कहा गया कि आरोपी से सरकारी गवाह बन गए दिनेश अरोड़ा ने शुरू में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था, जबकि बाद में 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के करीबी को दिए जाने की बात कही, लेकिन इससे जुड़ा कोई सबूत जांच में तक नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था। संजय सिंह को शराब घोटाले में ऐसे वक्त में जमानत मिली है जब आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप तिहाड़ में बंद है। अब नजरें मनीष सिसोदिया पर हैं। 6 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी की आस जगी है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की जमानत के रास्ते भी आसान हो जाएंगे। संजय सिंह आएंगे, इसी प्रकार से उन्होंने केजरीवाल जी को रिस्क किया है। भाई सरचंद्र रेड्डी के 7वें स्टेटमेंट्स में नाम लिखवाया, इसीलिए अब इसी प्रकार से केजरीवाल जी भी आएंगे, मनीष जी भी आएंगे, जैन साहब भी आएंगे, क्योंकि बहुत हो गया अन्याय। बजरंग बली जी का जो गदा है आज चल चुका भाजपा के ऊपर। संजय सिंह तो सिर्फ 6 महीने ही जेल में थे, लेकिन मनीष सिसोदिया 1.5 साल से शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। पिछले साल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि ये भी कहा था कि अगर 6 महीने मुकदमा खत्म नहीं होता या फिर मुकदमे की रफ्तार धीमी होती है तो जमानत का आवेदन किया जा सकता है। ऐसे में सिसोदिया भी नए सिरे से जमानत की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को क्यों जमानत नहीं मिली? अगर वो शराब घोटाले में नहीं, अगर वो शराब घोटाले में नहीं थे तो उनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को क्यों नहीं सुना, जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को जमानत दे दी? तो बड़ा स्पष्ट है, इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। बीजेपी भले ही कुछ कहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह को जमानत मिलना बहुत बड़ी बात है। लिहाजा इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। मैं इतने कहूँगा, सत्य में ये जीते। मैं अदालत के इस निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूँ।
शराब घोटाले में संजय सिंह को राहत तो मिल गई, सवाल है कि इसी मामले में बंद आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं का क्या होगा। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह संजय सिंह को जमानत मिली, बाकी नेताओं के लिए भी रिहाई का रास्ता आसान बना देगा, लेकिन सवाल है कि इस दावे में कितना दम है। जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि संजय सिंह को मिली छूट को नजीर की तरह नहीं देखा जा सकता, यानी दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार दूसरे आरोपियों के लिए संजय सिंह की जमानत को आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि संजय सिंह की राजनीतिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है, लिहाजा वो चुनाव प्रचार को लीड कर सकते हैं। संजय सिंह का भी दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत का ऑर्डर पहले राउत एवेन्यू कोर्ट जाएगा, वहां बेल की शर्तें तय होंगी और फिर बेल बॉन्ड भरने के बाद कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ भेजा जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।